दोनों काम उनको दिया गया है और मुझे उम्मीद है कि मार्च तक दोनों ही रास्ते बनके तैयार हो जाएंगे। भाषणबाजी करने के बजाय काम करना चाहिए और आपको ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। और बोलने के बजाय हम सब 2022 में इतना काम करेंगे कि 2023 में मालेगांव का नक्शा आप सबको बदलता हुआ दिखाई देगा, ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ। आप सबको शुभकामना देता हूँ, आने वाले दिनों में आप सबकी तरक्की हो, आपका जीवन सुख समृद्ध और आरोग्य के हिसाब से अच्छा जाए, ऐसा मैं परमेश्वर और ऊपर वाले से दुआ करता हूँ। और दोनों रास्ते का उद्घाटन आज संपन्न हुआ ऐसा मैं ऐलान करता हूँ। जब हम लोगों ने आयुक्त के सामने बताव रखा कि जनरल बजट हमारे पास बहुत कम है और ये काम करोड़ करीब करीब 7-7.5 करोड़ का जाएगा, तो आयुक्त साहब ने भी उसके अंदर बात की, कलेक्टर साहब से ही बात की और गवर्नमेंट फंड भी उसके अंदर 4 करोड़ रुपए डाला गया और उसके जरिए आज ये 7 करोड़ के काम का संगे बुनियाद यानी मराठी भूमि पूजन दादा भाव साहब के हाथ से होने वाला है। इसी तरीके से अंसार पत्र के आगे से दूसरा चप्पल जो आगे रोड का वो 10 करोड़ का काम दरेगांव शहर नहीं पहुंचेगा, लेकिन नेशनल पंप तक उसका दूसरा टप्पा 10 करोड़ का काम था, उसकी भी शुरुआत आज बदारे साहब जो ठेकेदार है जिन्होंने गिरना पुल का काम किया था हमारे नए गिरना पुल का, ये दोनों काम उनको दिया गया और मुझे उम्मीद है कि मार्च तक दोनों ही रास्ते बन के तैयार हो जाएंगे। और मैं लोगों से खासतौर से गुजारिश करूंगा इस इलाके के लोगों से, ये रास्ता थोड़ा कंजेस्टेड है, ज्यादा आबादी वाला इलाका है, हिंदुस्तान का इजाफा हुआ, ऐसे कई अनेक काम जो कभी हुए नहीं थे पहले भी और जो बाद में भी आज तक नहीं हुए, ऐसे बड़े काम हमारे मालेगांव शहर में हमारे अपने इक्तदार में हुए। इसी तरीके से इस वक्त भी देखिए कि ये जो आगरा रोड का जो काम होने जा रहा है करीब करीब आधा हो चुका है, तो मैं समझती हूँ कि इतना बड़े काम की तो काम तो इनकी सोच में भी नहीं आ सकता है। जो अपने महल्ले की अपने वार्ड की जो दिशा नहीं बदल सकते, जो अपने वार्ड की गटरों का सुधार नहीं कर सकते, जो अपने वार्ड की रोड नहीं बना सकते, मुझे बताओ वो पूरे शहर की रोड और नेशनल हाईवे का काम उनकी सोच में भी शामिल नहीं हो सकता, ये बात समझने की है। आज से पहले जो लोग आज वावेला मचा रहे हैं, जो लोग बोलते हैं जिन्होंने 35 साल इक्तदार में रहने के बाद इस शहर को कुछ नहीं दिया, जिन्होंने कारपोरेशन में इक्तदार संभालने के बाद इस शहर को कुछ नहीं दिया, वो अब आगे क्या देने वाले हैं और वो अभी इक्तदार में रहकर हुए कुछ नहीं कर रहे, तो बताओ मुझे कि आगे क्या करने वाले हैं। क्योंकि उन्हें लग रहा है बुजुर्गों और भाइयों, उन्हें लग रहा है कि 5 महीने बाद कारपोरेशन इलेक्शन है तो इनकी दुगदुगी बजने शुरू हो गई और लोगों को गुमराह करने का काम उन लोगों ने शुरू कर दिया है।